हेलो दोस्तों, आप लोगों को बताने वाला है इस वीडियो में कैसे आप अपने कीबोर्ड को बहुत अच्छे तरीके से और ऐसे ढंग से जिस तरह से प्रोफेशनल एडिटिंग करते हैं वैसे आप खुद एडिट कर पाओगे। तो उसके लिए चलते हैं हम अपने इस वीडियो को, आपको पूरा लास्ट तक देखना होगा तभी आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ में आएगी। इसमें लगभग एक नहीं दो नहीं लगभग ऐसे ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ जिन्हें आप जान करना बहुत खुश होंगे कि वाकई, या कहेंगे कि ये वीडियो मुझे पहले देखना चाहिए। और सबसे पहला काम मैं आपको बता देता हूँ गूगल कीबोर्ड का, आपको प्ले स्टोर में जाना है, सिंपली सर्च करना है GBOARD, यहाँ पर जो लिख के आ रहा है वो गूगल कीबोर्ड, और यहाँ साइड में जो तस्वीर इसकी देख रही है ना आपको, वो क्या करना है प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। जब डाउनलोड करेंगे आप, या फिर अगर आपके फ़ोन में हो ऑलरेडी हो, तो वहाँ पर एक अपडेट का ऑप्शन आएगा जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तो उस पर क्लिक करके अपडेट कर लेना है। या फिर स्क्रीन पर ना भी दिख रहा हो तो क्या फ़र्क पड़ता है, आप अपने प्ले स्टोर में जाकर देख ही सकते हो। और दूसरा मैं बता दूँ दोस्तों, इसके आगे वाली जो टिप्स हैं उसे आप टाइप करेंगे तो उसमें जो मतलब ये क्या कहते हैं उसकी वॉइस होती है ना, उसमें आवाज़ होती है ना, वो आवाज़ हम कैसे बदल सकते हैं और कहाँ से बदल सकते हैं, उसमें लैंग्वेजेस होती है जैसे इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी, फलान ढिमकान, जो भी लैंग्वेजेस होती है उनमें से आप कोई भी लैंग्वेज उसमें ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, या फिर उसे सेलेक्ट करके ये सब कर सकते हो। तो वो सब कैसे करोगे तो चलिए हम आपको प्रैक्टिकल स्क्रीन पर समझाते हैं। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों, आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि आपको सिंपली प्ले स्टोर खोलना है। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरह से आपको प्ले स्टोर खोल करना, यहाँ पर टाइप करना होगा GBOARD, तो यहाँ पर लिख कर आ जाएगा GBOARD जीबोर्ड, तो उसको सिंपली खोल लेना है और यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन होगा, अपडेट कर लेना है, या फिर आपने इंस्टॉल नहीं कर रखा है तो इंस्टॉल कर लेना है। आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर बेटा वर्जन का ऑप्शन मिलेगा ज्वाइनिंग का, अगर खाली हो तो ज्वाइन कर सकते हो आप, जिससे कि आपको बेटा वर्जन का प्रोग्रामिंग मिल सकेगा। जब ये अपडेट हो जाएगा दोस्तों, तो अपडेट हो जाने के बाद सिंपली इसको ओपन कर लेना है तो आपकी सेटिंग खुल जाएगी इससे। ठीक है दोस्तों, ये कोई एप्लीकेशन वगैरह नहीं है, ये आपके फ़ोन की सेटिंग है, एक तरह से देख पाओगे आपकी सेटिंग है। तो यहाँ पर आप अपनी लैंग्वेज जो ऐड करना चाहते हो, जैसे मैंने इंग्लिश, हिंदी और अरबिक ऐड किया हुआ है, इस तरह से आप, मैंने इंडोनेशियन भी ऐड किया हुआ है, तो इस तरह से आप ऐड उसके और ऐड करने के लिए आपको सिंपली ऐड कीबोर्ड पर क्लिक करना है। ऐड कीबोर्ड पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली जो भी लैंग्वेज ऐड करनी है उस पर टैप करना है। टैप करने के बाद आपको यहाँ पर दो तीन प्रकार का कीबोर्ड दिखेगा, उसमें से आप जो चाहे वो कीबोर्ड सेलेक्ट करके ना ऐड कर सकते हैं उसको। तो ऐड करेंगे तो आपको देख पाओगे कि यहाँ पर इंग्लिश यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब नेक्स्ट है इसकी परफॉर्मेंस के बाद, परफॉर्मेंस में आप देख पाओगे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें जो मैंने ऑप्शंस को इनेबल किया हुआ है वो आप इनेबल कर सकते हैं, और चाहे तो उसे डिसेबल भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, और यहाँ पर वॉल्यूम की बात होती है, कीबोर्ड टाइप की जरा इसमें तो वो आप यहीं से और इसे ऑफ कर दोगे तो ऑफ हो जाएगा, इसे यहाँ जितना पर करोगे तो उतना ही बजेगा। उसके बाद थीम्स की बात कर ले दोस्तों, थीम्स में आप जो थीम चाहो इसमें इनमें से फोटोज में से भी रख सकते हो, जैसे मैं ये थीम कर लेता हूँ, काफ़ी शानदार दिख रहा है, इसे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कर देने के बाद आपकी कीबोर्ड वैसी हो जाएगी। इसके बाद में है टेक्स्ट करेक्शन का, टेक्स्ट करेक्शन में आप इन सब को इनेबल कर दोगे तो भी बढ़िया है, नहीं तो मेरा जो इनेबल है वो सब कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक बोर्ड का ऑप्शन होगा, क्लिक बोर्ड में ये दोनों ऑप्शन आपको इनेबल रखना है। इनेबल रखने के बाद आपको एडवांस पर क्लिक करना है, एडवांस में भी सब हर चीज़ को इनेबल करके रखोगे तो आपको बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगा, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ अपने कीबोर्ड को।
देख पाओगे कितना शानदार दिख रहा है कीबोर्ड आप जो टाइप करोगे। और यहाँ पर क्लिपबोर्ड में आप देख पाओ मेरे बहुत सारे हैं यहाँ पर पिन, इसे आप कॉपी करके ना यहाँ पर कॉपी करके सेलेक्ट करके ना इसको पिन कर दोगे तो ये हमेशा के लिए आपका सेलेक्ट कॉपी पिन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और वो हमेशा के लिए रहेगा, जब भी आप चाहो कॉपी करके बिना कॉपी के उस जो दिन को आपने कॉपी कर रखा है उन्हें टेस्ट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब मैं बात कर अगले वीडियो के लिए अगले टॉपिक के साथ बात करूँगा, तो चलते हम अब मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।